हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूपाली की दुनिया में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए एक नया सा ब्लॉग, और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने डेली लाइफ की एक छोटी सी रूटीन। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगी तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए। तो फिर चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं नए से ब्लॉग को। लेट्स गो। ये मेरी छोटी सी फुलवाड़ी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फूल इसमें आया हुआ है। तो मैं इसमें भी पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है ना, वो पानी डालने से ही होती है। ये आप मेरी मनी प्लांट देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मिट्टी में लगाए हुए हैं, और ये आना चालू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, मॉर्निंग में अगर ये प्लांट में पानी डालना हो जाए ना, तो फिर बाकी तो काम होते रहता है। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत सबसे पहले पानी डालने से ही होती है पौधों में। अभी जो जो पौधे सूखे हुए हैं ना, वो शाम तक सारे पौधे में फ्रेशनेस आ जाएगा, और पत्ते भी बिल्कुल फ्रेश होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा घर कितना फैला फैला सा है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घर को समेट लेने के लिए। थोड़ा सा मैं झाड़ू लगाऊंगी और जो चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई है ना। घर समेटने से पहले मैं अपने पति को जा रही हूँ गर्म पानी देने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गर्म पानी ही पीते हैं और फिर उसके बाद चाय पीते हैं। तो अभी चलिए फिर मैं उनको गर्म पानी देने जाती हूँ। पानी आपका गर्म पानी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काम स्टार्ट हो गया आपका? हाँ, अभी स्टार्ट हो रहा है। मैं ईमेल सब चेक कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों अभी मैं चाय बनाने के लिए ऑर्गेनिक होल मिल्क किर्कलैंड का यूज कर रही हूँ। इस डब्बे के मिल्क से चाय बनाने पर चाय बहुत ही टेस्टी बनती है, और मैं जनरली बच्चों को यही दूध देती हूँ जिसमें आपको अल्ट्रा पाश्चराइड विटामिन डी, ये आपके सारे चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये दो कप चाय बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब जाते हैं उन्हें देने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड्डू। गुड मॉर्निंग। अभी ये उठ गई मेरी गुल्लू। गुड मॉर्निंग। से हाय। चलो बाबू, उठ जाना है और ब्रश करना। ओके, अभी इनको उठाना है। गुड मॉर्निंग। सो ब्रश करना है गुल्लू को, अंशी को ब्रश करना है। चलो ब्रश करा देती हूँ मैं तुम्हें। चीज नया प्लेसमेंट निकाल दूंगी। खुद से कर लोगे? Yes. Okay. तो आर्यन का भी यहाँ पे अभी ब्रश हो जाएगा। इन लोगों का नाश्ता बनाना है, तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट भी बना लेते हैं। तो ब्रश करो और फिर आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में बताओ। मैगी। मैगी। ओह, मैगी खाना है? चलो ठीक है, बना देते हैं। हेलो। हाय। ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए आपको? मुझे कॉर्नफ्लेक्स मिल्क दे दो। अच्छा, और बच्चे क्या कर रहे हैं? उन लोगों को मैगी मैंने ब्रेकफास्ट में दिया है, और अभी टीवी देख के खा रहे हैं। ओके। यहाँ पर इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट आर्यन तो फिनिश कर लिया। आर्यन फिनिश कर लिए ब्रेकफास्ट? ओके। आंशी, what about you Gullu? Finish ho gaya? You didn't finish? Can I feed you? Okay. To Anshika ko abhi mama khilayegi. Aa jao idhar. Stool leke aao idhar. Stool leke aake baitho mama ke paas. Theek hai? Yeah. ये बेड कैसे कर दिया इसने, पूरा दिन घर क्लीन करने में ही चला जाता है पूरा दिन।
ठीक करो, इधर ये लोग बेड बिगाड़ देते, यहाँ भी बेड ठीक किया वो भी बिगड़ गया, यहाँ बेड ठीक किया वो भी बिगड़ गया। अभी तो पूरा दिन ऐसे ही मेरा चलते रहता है। अभी तो मैं छोड़ देती हूँ थोड़ा, क्योंकि जाने दो गंदा कर रहे तो करने देते हैं, क्योंकि मना करने पे ये सुनते नहीं है। इट्स ओके, बच्चे हैं गंदा तो करेंगे। ये देख लीजिए इसकी एक्टिविटीज। अंशिका हेल्प मी, गो एंड कीप योर स्लीप इन द सूड स्टैंड फॉर द किंगडम। कभी कभी बच्चों को उनके खुद के काम में भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। सो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और इनको देखिए, ये आईपैड के कवर से ये खेल रहे हैं शील्ड बनाकर। तो आर्यन जाओ और बैठ के तुम आर्जेट करो। तो दोस्तों आज मैं है ना लंच में बैगन आलू और ये स्पिनच है, तो स्पिनच की सब्जी बना रही हूँ और राइस और रोटी बनाऊंगी और बच्चों के लिए थोड़ा सा दाल बनाऊंगी। तो आज का ये मेरा यही लंच रहेगा। नहाने के बाद से मैंने पूजा किया था, तो मुझे पूजा करते हुए देखकर अंशिका को भी मन हुआ पूजा करते हुए, तो वो भी अभी देखिए यहाँ पर पूजा कर रही है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भी पूजा करते हैं देखकर, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें सीखते भी हैं। हो गया बेटा पूजा, चलो आ जाओ। तो दोस्तों मेरे घर के सारे काम हो गए, लगभग साफ सफाई हो गई, खाना बन गया, मैं फ्रेश होकर भी आ गई। मैंने अंशिका को भी नहला दिया है, अभी आर्यन गया है नहाने के लिए, वो आएगा तो फिर हम खाना खाएंगे। यहाँ पे ये मैंने दाल बना दिया है, ये आलू बैंगन पालक और टमाटर की सब्जी है वो बनाया, यहाँ पे रोटी भी बना दिया है और यहाँ पे ये फ्रेश राइस भी बना दिया है। मैंने बासमती राइस बनाया है, जनरली बच्चे बासमती राइस ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लंच हो चुका है और मैंने सारे डिशेस को क्लीन कर लिया है और गैस भी क्लीन कर लिया है। तो फिर थोड़े देर रेस्ट करने के बाद से मैं आर्यन की स्कूल सप्लाईज को एक जगह इकट्ठा करूँगी, जो उसे कल स्कूल में सबमिट करने हैं। तो अभी आर्यन का क्लास है पोकेमोन का और उसका एक दिन पहले का होमवर्क अभी भी पेंडिंग में है, तो आर्यन अभी जल्दी जल्दी बना रहा है। तो आर्यन तुम्हारा जल्दी से हो जाएगा तो फिर मुझे जाना भी है। Yeah, this is my last page. Okay. तो थोड़ा सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग बना के लिखो ना। और यहाँ पर अंशी भी स्कूल जाने के नाम पर अभी से ही बैग डालकर रेडी हो चुकी है और उसका चोटी भी उड़ गया है, यहाँ पर आप देख। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4 और मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को दूध देने के लिए। तो बच्चों को पसंद है चॉकलेट वाली मिल्क, तो मैं उनको चॉकलेट वाली मिल्क मिला के दे रही हूँ यहाँ पर। और बच्चों को एक्चुअली जो चॉकलेट वाली मिल्क है ना वो पीते हैं, वे नेस्क्विक का पीते हैं ये चॉकलेट वाली मिल्क, तो इन्हें बहुत पसंद है, तो मैं अभी इन्हें दूंगी। और तो यहाँ पर अभी मैं आर्यन को दूध दे चुकी हूँ और वो दूध पी रहा है। और यहाँ पर मेरी अंशिका मैडम भी ये दूध यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी 4 बजने वाले हैं और आर्यन जा रहा है ट्यूशन के लिए, तो और जब वो ट्यूशन चला जाएगा तो मैं अंशिका को थोड़ा सुला दूंगी और उसके बाद से अगर वो सो जाएगी तो थोड़ा अगर टाइम मिला तो मैं एडिटिंग का काम कर लूँगी। तो अभी आर्यन को ट्यूशन छोड़ने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। शाम के हो चुके हैं 5:30 और आर्यन आ गया है अभी ट्यूशन से, और ट्यूशन से आने के बाद से मैं अभी उसको एप्पल कट करके दूंगी। और यहाँ पर मैं इलायची वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि जब उसे ट्यूशन जाना था 4 बजे के अराउंड और मैंने जब आर्यन को मिल्क दिया था तब इनसे मैंने पूछा था चाय के लिए, तो उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनको लेट हो रही थी उसे ड्रॉप करने के लिए। तो अभी हो गए हैं 5:30, तो मैं चाय बना रही हूँ और बच्चों को भी फिर मैं एप्पल कट करके दूंगी खाने के लिए। और अंशिका चूँकि दिन में नहीं सोई थी क्योंकि उससे मन नहीं था सोने का, वो सो नहीं रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया उसे सुलाने का तो वो नहीं सोई। और जब वो नहीं सोई तो मैंने आर्यन के कुछ स्कूल के असाइनमेंट भी चेक करे, कोई पेंडिंग असाइनमेंट तो नहीं है बट 1-2 पेंडिंग असाइनमेंट है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे अभी फ्रूट्स खिलाने के बाद से बिठाऊंगी और थोड़ा मैं उसे जो भी उसके होमवर्क्स हैं 1-2 बचे हुए तो कंप्लीट करा दूंगी। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये इलायची वाला चाय बन रहा है और यहाँ देखिए आप, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मेरी चाय बन रही है
और मैं अभी इसे थोड़ा सा और उबालूंगी। और तब तक ये चाय उबल रही है, मैं इसे लो फ्लेम पर डाल देती हूँ, थोड़ा सा और पकने दूंगी, क्योंकि है ना ज़्यादा पका हुआ चाय पीने पे है ना बहुत सोना टेस्ट आता है, बहुत ही अम्मी लगता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा शाम का इवनिंग स्नैक्स, चाय विथ टोस्ट। और यहाँ पर हम दोनों साथ बैठकर इनके ऑफिस में चाय पियेंगे। तो बाहर तो अभी आप नहीं जाइएगा क्योंकि आपको काम बहुत है, और ऑलरेडी आप आर्यन को ट्यूशन से लेकर गए तो काम काफ़ी हो, टाइम काफ़ी चला गया, राइट? यस, एक घंटा चला, एक घंटा टाइम चला गया बेचारे का। तो अभी मैं इनको फोर्स नहीं करूँगी बाहर जाने के लिए, तो अभी हम दोनों यहीं पर बैठ कर टी पी लेंगे अपने। मेरे को तो चाय बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छी बनी है। अरे वाह, सेम पिंच। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं बाहर और नीचे बैठकर खेल रहे हैं, साफ इंडिया वाली फीलिंग्स आती है देखकर। तो शाम के यहाँ पे हो गए 7 और अभी मैं जा रही हूँ अंशिका को लेकर नीचे खिलाने के लिए। तो अंशिका, आर यू रेडी टू गो? तो चले नीचे बेटा। ओके चलो। तो अभी मैं जा रही हूँ अंशिका को लेकर नीचे और उसको थोड़ा देर खिला लूँ। आर्यन को तो मैंने पढ़ा दिया और उसके सारे होमवर्क्स को भी बनवा दिया, तो अभी मैं इन दोनों के साथ थोड़ा नीचे जाऊंगी और थोड़ा इवनिंग एंजॉय करूंगी। तो दोस्तों अभी बच गए हैं 8 और बच्चे अभी पार्क से खेल के आ गए हैं, तो अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है। और खाना बनाने से पहले मुझे दिया जलानी है और घर के लाइट्स ऑन करने थे, तो मैंने लाइट्स ऑन कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा क्यूट सा ये छोटा सा लाइट जो कि मेरा फेवरेट है, ये जलता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने यहाँ पर पूजा के भी लाइट्स को ऑन कर दिया है, लेकिन अभी दिया जलाना बाकी है, तो अभी मैं फटाफट से दिया जला लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाने चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया भी जला लिया और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। जितना ईजी खाना बनाना नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा टफ ये सोचना होता है कि आज क्या बनाऊँ। बहुत डिफ़िकल्ट है डिसाइड करना कि आज खाना में क्या बनेगा, एक बार डिसाइड हो गया तो फिर खाना तो बन ही जाता है किसी तरीके से। तो फिर मैं जाती हूँ उनसे पूछने के लिए कि वो क्या खाएंगे डिनर में, और फिर उसके हिसाब से बनाते। पता नहीं बच्चों का आटा से क्या रिलेशन होता है, जब भी आटा गूंदने के लिए आती हूँ ये दोनों आ जाते हैं मदद करने के लिए। हाय। हाय। सो क्या क्या करना है तुम लोगों को आटे के साथ? What do you want to make? रोटियां। Oh, so इससे रोटी बनानी है। So, तो यहाँ पर मैं मेरे आटे को गूंद रही हूँ और गूंद कर इसकी मैं रोटी बनाऊंगी। और चूंकि इनको सब्जी खाना है, वही दिन वाली आलू बैंगन साग वाली सब्जी, और है मैंने फ्रिज में चेक किया तो वो है सब्जी, तो आज रात की तो सब्जी हो जाएगी। बट उन्होंने पनीर भुर्जी की बात करी है तो आज उन्हें नहीं खाना, मैंने फिर से पूछा, तो अभी मैं वही सब्जी से काम चला लूँगी। वैसे भी आज की सब्जी बनी थी बड़ी टेस्टी। तो और बच्चे जो हैं उन्हें तो दूध रोटी ही पसंद है रात को खाना, मैं उन्हें अच्छे से रात में ही दूध रोटी खिला देती हूँ ताकि वो खाकर अच्छे से सो जाए और मेरे को एटलीस्ट रात में डिस्टर्ब ना करे दूध के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि दूध रोटी खाते हैं ना तो उन्हें पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो रात में जगते नहीं हैं। तो अभी हम लोगों का यहाँ पर खाना हो रहा है, बच्चे खा चुके हैं और उन्हें खिलाकर हम लोगों ने उसे सुला दिया और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। तो अभी हमारा डिनर फिनिश हो गया और अभी मैं किचन की लाइट ऑफ कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं बाय द वे कि मैंने पूरा सिंक क्लीन कर लिया और अब डिशेस नहीं है, तो अभी मैं किचन की लाइट ऑफ कर रही हूँ। अब किचन में कोई काम नहीं है, जा रही हूँ नीचे डाउन और पेडेस्ट्रियन पे थोड़ा देर वॉक करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, नाइट में पेडेस्ट्रियन पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है मुझे आफ्टर डिनर। हिरन आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे घर के पीछे ये दोस्त कितने क्यूट है, डियर दो थे एक्चुअली, अभी ये एक है, ये देख सकते हैं ये रास्ता ढूंढ रहा है जाने के लिए,
बट इसे रास्ता मिल नहीं रहा है, लेकिन जनरली हमारी सोसाइटी में ये हिरन आता है ना, डियर आता है, तो हम लोग इसे देते हैं खाने के लिए बिस्किट या जो भी ब्रेड अवेलेबल है वो दे देते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की ब्लॉग जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया अपने डेली एक्टिविटीज को और बताया कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की मेरी क्या एक्टिविटीज थी जिसे मैंने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें और अच्छे अच्छे से कॉमेंट दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।